दोस्तों बिग बॉस 32 का सेकंड सीजन खत्म हो गया है और इस शो को एलविश यादव ने जीत कर इतिहास रच दिया है। तो वहीं अब इस शो के मेकर्स ने बिग बॉस 17 की तैयारियां शुरू कर दी है और हर साल की तरह इस बार भी टीवी जगत के कई सितारों को बिग बॉस के मेकर्स शो के लिए अप्रोच कर रहे हैं। हालांकि इस बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को भी मेकर्स अप्रोच कर रहे हैं और इतना ही नहीं बिग बॉस OTT सेकंड सीजन के कंटेस्टेंट भी सीजन 17 में अपना जलवा दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन कौन होने वाले हैं वो लोग जो बिग बॉस 17 में करेंगे एक दूसरे के साथ लड़ाई। देखिए इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आ रहा है योयो हनी सिंह का और बताया जा रहा है कि बिग बॉस के मेकर्स ने योयो हनी सिंह को बिग बॉस 17 सीजन के लिए ऑफर कर दिया है, लेकिन अभी तक योयो हनी सिंह की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही आती है हम आपको बता देंगे। और दोस्तों योयो हनी सिंह के बाद नाम आ रहा है इंडिया के सबसे फेमस ब्लॉगर और नंबर 1 ब्लॉगर माने जाने वाले सौरव जोशी का। ऐसा बताया जा रहा है कि बिग बॉस 17 सीजन के लिए यूट्यूबर्स कम्युनिटी में से सौरव जोशी एक वो नाम होने वाले हैं जो बिग बॉस 17 में दिखने वाले हैं। इसके अलावा बिग बॉस 17 में अनुराग डोबला भी नजर आ सकते हैं और अनुराग डोबला भी एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 4.9 फॉलोअर्स हैं। साथ ही दोस्तों उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि बिग बॉस वालों ने फिर से फुकराइन सान यानी कि अभिषेक मल्हान को बिग बॉस 17वें सीजन के लिए ऑफर कर दिया है। देखिए फुकराइन सान यानी कि अभिषेक मल्हान बिग बॉस OTT सेकंड सीजन में दूसरे पायदान पर रहे यानी कि फर्स्ट रनर अप रहे और उनका ट्रॉफी का सपना सपना ही रह गया। तो क्या पता वो बिग बॉस के 17वें सीजन में आकर ट्रॉफी पर अपना हक जताने की कोशिश करें। अब दोस्तों ये तो देखो ऑफिशियल खबर आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये वो नाम है जो बिग बॉस की तरफ से ऑफर किए गए हैं बिग बॉस 17वें सीजन के लिए। तो दोस्तों आप इन सभी नामों में से कौन से नाम के इंसान को बिग बॉस के 17वें सीजन में देखना पसंद करेंगे हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।